हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक सॉन्ग सुनने जा रहे हैं और वो एक नेपाली गाना है और उस वीडियो का टाइटल है फूलों को आँखा माँ अनि ड्रोलमा। इट्स माई शो विथ सूरत सिंह ठाकुरी, ये उस वीडियो का पूरा टाइटल है और जिसे अपलोड किया गया है कांतिपुर टीवी HD के यूट्यूब चैनल पर, और ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। ठीक है, ये एक नेपाली गाना है। अब मेरे को नेपाली थोड़ी बहुत आती है क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे मतलब नेपाल एक बॉर्डर में लगता है। ठीक है, तो बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं नेपाली गाने, और उतनी बोलनी नहीं आती है बट काफ़ी हद तक समझ लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी मीनिंग भी बताऊँगी इस गाने की, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसे रिकमेंड किया है मुझे मेरी मम्मी ने। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
It's My Show with Suraj Singh Thakuri, Saturday 9 PM. और मैंने ये गाना पूरा सुन लिया है. बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा गाना है ये. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मम्मी ने इतना सुंदर गाना मुझे ढूंढ कर दिया. और उससे पहले मैंने ये गाना कभी नहीं सुना. बट अगर मैं सिंगर की बात करूँ, उनका नाम है एनी रोलमा. जिस मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, तो इनका मैंने कोक स्टूडियो पे गाना सुना है पहले. बट वो गाना था जरिया. सिंगर की मैं अगर बात करूँ तो वो एक नेपाली बुद्धिस्ट है और आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास है, बिल्कुल कर्णप्रिय है. और अगर मैं गाने की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं मीनिंग भी बताऊँगी. गाने के शब्द है फूल को आँखा माँ. तो एक तरह से इस गाने में बहुत सारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताई है कि जैसे जो इंसान का जो जिस दृष्टिकोण से, नज़रिए से वो इस दुनिया को देखता है, वो दुनिया उसको वैसी ही नज़र आती है. अब जैसे फूल को आँखा माँ, ये जो है जिस जैसे कि अगर आप यू नो फूल को दृष्टि से देखते हैं राइट, तो वो आपको पूरा संसार फूल जैसा नज़र आता है. वहीं उसके अपोज़िट अगर आप कांटों भरी नज़रों से देखते हैं और तो आपको सारी दुनिया कांटे भरी नज़र आती है. फिर लाइन आती है कि आपकी शैडो उतनी ही होगी जैसा कि आपकी परछाई उतनी होगी जैसा कि जितना वो आपका वो ऑब्जेक्ट होगा. जैसा ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी परछाई भी पड़ेगी. तो बहुत ही एक तरह के से मैं बताऊँ तो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है ज़िंदगी को लेकर. जैसा इंसान का जो नज़रिया होता है ये दुनिया वैसे ही रिफ्लेक्ट होके आपको नज़र आती है ये संसार की सभी चीज़ें. फिर लाइन आती है कि अपने दिल बहुत प्योर रखो, अपने वचन एक बुद्ध की तरह रखो और इतना ट्राई करो कि आपके पैर से एक भी इंसेक्ट्स नहीं मरे, एक भी कीड़े नहीं मरे. तो बहुत अच्छी लाइन है और दिल को छू जाती है. और बीच में जैसे आप वो स्टूडियो में आप देखते हैं, इट इज़ माय शो, जी हाँ, विद सूरज सिंह ठाकुरी. तो वो जो दो लोग बैठे होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल गाने में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और लास्ट तक बिल्कुल, है ना. फिर आता है कि अगर आप अच्छे होंगे तो अच्छे दृष्टि से इस दुनिया को देखोगे तो ये दुनिया अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा एंड देयर विल बी लाइक गुड वर्ल्ड. उसके बाद है कि काली रात में, काली रात में कैसा दिखता है चमकता हुआ चंद्रमा देखते हैं. और साथ ही साथ जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो एक गीत से उसकी तुलना की गई है. जब भी हम यू नो वी आर इन द ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियों में, तो शब्द की जो वर्डिंग्स है, लिरिक्स है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत लाइफ के पर्सपेक्टिव से ये लिया गया है. और जितना अगर आप क्लैरिटी से देखोगे और तो ये दुनिया भी आपको वैसी ही नज़र आएगी. दैट मीन्स दिस होल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर परसेप्शन. बट इसके कंपोजिशन, हर एक चीज़, म्यूजिशियन के जो यू नो म्यूज़िक है, बहुत सुंदर लगता है. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड लवली सॉन्ग. मैं तो अब भी दोबारा कहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे को इतना अच्छा गाना सॉन्ग रिकमेंड किया. और मैंने ये गाना नहीं सुना था बट ये गाना सुनकर मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. और आई एम डेफिनेटली श्योर आपने ये गाना नहीं सुना होगा. तो गाइस, आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मेरी वीडियो को नहीं पर ओरिजिनल वीडियो को शेयर कीजिए. इसको आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा.
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।